जमीन को नर्म करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बीज उपचार करने के लिए। तो ये कैसे आपको मालूम हुआ कि जब आपने ट्रेनिंग को अटेंड किया तब आपको ये मालूम हुआ? जिनको ह्यूमिक क्या काम करता है उसके बारे में अगर मालूम नहीं है तो जब हम फसल के ऊपर देखेंगे तो उनको कैसे समझ में आएगा कि ह्यूमिक हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसीलिए प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ग्रोथ के लिए, राइट? तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जब हम धान की फसल के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स को यूज करना है। सबसे पहला प्रोडक्ट आता है प्लांट प्रोटेक्शन, यानी इसमें वो प्रोडक्ट आते हैं जो आमतौर पे हमारी फसल में फंगस की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। इसमें वो प्रोडक्ट आते हैं जो आमतौर पे हमारी फसल में फंगस की बीमारी को कम करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। उसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, इसको कीड़े मारने वाले दवाई के तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आप एग्री प्रोटेक्ट को कीड़े मारने वाली दवाई के तौर पे इस्तेमाल करवा रहे हो तो वो गलत बात है, आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा नहीं, या आप लिख लीजिएगा, क्योंकि वो उस पर काम ही नहीं करता। अगर आप एग्री प्रोटेक्ट को फंगस को कंट्रोल करने के लिए करवा रहे हो तो उसमें आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। सिंपल, जब भी आप किसान को मिलते हो तो उनको आप बताओ कि हमारे पास कीटनाशक नहीं है, लेकिन फसल में जो फंगस की बीमारी आती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एग्री प्रोटेक्ट है, आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रिशनल की, यानी जैसे हमें खाने की जरूरत होती है एनर्जी पाने के लिए, शरीर एकदम तंदुरुस्त रहने के लिए, उसी तरीके से पौधे को भी जरूरत होती है। और अगर पौधे को सही मात्रा में अगर खाना दिया जाए तो उसकी डेफिनेटली वहां पे ग्रोथ आपको वहां पे दिखाई देती है। तो ये जो पांच प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये उसी का काम करता है, पौधे को सही तरीके से खाना देने का काम करता है। और जितना सही समय पे आप इनका इस्तेमाल करोगे उतना ये हमारी फसल को फायदेमंद है, उतना ये हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये फायदेमंद है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्री ह्यूमिक के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ह्यूमिक किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रोथ करने के लिए। राइट, मैंने आपके चैट जो है वो ऑफ रखे है ताकि बहुत बार क्या होता है बाकी के लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। राइट, तो एक बार हम ट्रेनिंग को खत्म करेंगे फिर हम आपके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्री ह्यूमिक हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि फसल की ग्रोथ आपको वहां पे दिखाई दे। इसलिए मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा था कि एग्री ह्यूमिक किस लिए इस्तेमाल होता है। जिनको मालूम था उन्होंने बता दिया कि ग्रोथ करने के लिए, बीज उपचार के लिए, लेकिन जो नए ज्वाइन होते हैं उनको मालूम नहीं होता। तो इसलिए हम शुरुआत में सबसे पहला आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो ह्यूमिक काम करता है ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट आता है ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसान बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो उस केमिकल फर्टिलाइजर को कम करने के लिए, कम लागत में ज्यादा मुनाफा है, इसलिए ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स वहां पे काम करता है। जितना ज्यादा आप इसको मिट्टी में यूज करोगे उतना ज्यादा हमारे मिट्टी को ये फायदेमंद है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है एग्री मॉस। अक्सर बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि मॉस को कब यूज करना है। एक सिंपल तरीका है आपको याद रखने का हर एक प्रोडक्ट को। जैसे ही फसल में फूल आना शुरू होते हैं,
फ्लावरिंग आना शुरू होती है तब हम वहाँ पे मॉस को यूज करा सकते हैं। जिनके यहाँ पे अनार की खेती होती है उनके यहाँ पे अभी फूल आना शुरू है, जिनके यहाँ पे टोमेटो मिर्च की खेती होती है उनके यहाँ पे अभी फूल आना शुरू है, तो आप वहां पे एग्री मॉस को यूज करा सकते हो। अब फसल में फूल आया था, अब उस फूल में से फल बनेगा, तो जो फल का आकार होता है, फल की क्वालिटी होती है, उसको सुधारने के लिए नैनोटेक काम करती है। ये मेन मेन बेनिफिट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि धान की फसल के ऊपर आपको वो तुरंत समझ में आ जाएगी। फल बनते समय, दाना बनते समय अगर हम नैनोटेक को यूज करते हैं तो फलों की साइज, फलों का शेप हमें वहां पे अच्छा मिलेगा, दानों का शेप हमें वहां पे अच्छा मिलेगा, उसको हम लंबे समय तक टिका के रख सकते हैं, तो उसके लिए हमारा नैनोटेक काम करता है। और जो फल बनेगा, जो दाना बनेगा, उस पर चमक लाने के लिए, शाइनिंग लाने के लिए एग्रीगोल्ड ये काम करता है। उस फल के ऊपर चमक बनाने के लिए एग्रीगोल्ड काम करता है। एक प्रकार से आप इसको फसल की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी काम करता है एग्रीगोल्ड। जैसे आपको स्पिरुलिना मालूम है, ये फसल की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम करता है, सेम हमारा एग्रीगोल्ड करता है। और एक तीसरी कैटेगरी है एक्टिवेटर की, इसमें दो प्रोडक्ट्स आते हैं, एक आता है एग्री 82 और दूसरा आता है एक्वाजेल। 82 के बारे में आप सभी लोगों को मालूम है कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ हम 82 का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, चाहे आप कीटनाशक की बात करें, वेस्टिज के एग्री प्रोडक्ट्स की बात करें, सबके साथ हम वहां पे 82 का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा है कि एक्वाजेल, जहां पे पानी की कमी है, जहां पे पानी ज्यादा है, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, मिट्टी का कटाव होता है, तो ऐसी सभी परेशानियों के ऊपर आप वहां पे एक्वाजेल जो है वो आप यूज करा सकते हो, राइट। सो अभी हम धान की फसल के ऊपर देखते हैं कि धान की फसल में किस तरीके से प्रोडक्ट्स को यूज कराना है। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, ओके। आप में से कोई बता सकता है कि धान की फसल कितने दिन की होती है? अजय जी ने कहा है 90 दिन। देखो मिनिमम आपको ये तो मालूम होना बहुत जरूरी है कि धान की फसल जो है वो कितने महीने में तैयार होती है। 4-4.5 महीना, अगर वैरायटी अच्छी रहेगी तो 4-4.5 महीने तक धान की फसल जो है उसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो हमेशा किसी फसल पे काम करने से पहले उस फसल की आपको पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, वरना अगर सामने से किसान आपको पूछेगा और आप उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो चाहे बाद में आप किसानों को कितना भी कन्विंस कराने की कोशिश करें वो नहीं मानते। होता है आप लोगों के साथ ऐसा होता है अक्सर? मिनिमम आपको फसल जो है उसके बाद कितने दिन की फसल होती है इसके बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, राइट। तो चलो अभी बात करते हैं। सबसे पहला बीज उपचार। देखो इन केस अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप बस फोटो देखिए, फोटो देखने के बाद आपको सारे चीजें क्लियर हो जाएगी। अक्सर बहुत लोगों को धान के बीज कैसे होते हैं वो मालूम नहीं होता, तो इसलिए मैंने ऊपर पिक्चर भी ऐड किया है ताकि आप लोगों को वो अच्छे तरीके से मालूम हो जाए। ओके, तो शुरुआत का पहला स्टेप आता है हमारा बीज उपचार। करना जरूरी है बीज उपचार? यस,
बीज उपचार करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के ऊपर हमारी फसल निर्भर होती है। तो बीज उपचार शुरुआत में करना बहुत जरूरी है ताकि जो भी हम बीज लगाएंगे धान के वो खराब ना हो, उनका अंकुरण वहां पे सही होना चाहिए। जो भी हम बीज लगाएंगे वो अंकुरित अगर अच्छे तरीके से होंगे, वो खराब नहीं होंगे, तब जाके किसानों को आगे जाके फायदा होता है। राइट। तो किसान को लेकर हमें एक बात सीखनी बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छी फसल लेनी है तो पहले आपको अच्छा बीज होना चाहिए आपके पास, उसकी बुआई सही तरीके से होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है बीज उपचार। तो बीज उपचार में हम यहाँ पे दो प्रोडक्ट को यूज करा सकते हैं, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। एग्री ह्यूमिक काम करता है बीजों का अंकुरण सही करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बीजों का अंकुरण सही होगा तो डेफिनेटली आने वाले समय में उसमें फसल आपको वहां पे अच्छी दिखाई देगी। और एग्री प्रोटेक्ट काम करता है फसल में फंगस की बीमारियों से बचाने के लिए। तो ह्यूमिक 5 ml, प्रोटेक्ट 10 g प्रति 1 kg बीज के लिए। इस तरीके से हमें वहां पे बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने के बाद एक तरीके से हमने बीज को अच्छे तरीके से उपचारित किया। दूसरा तरीका है नर्सरी। स्टेप 2 आती है हमारी नर्सरी की तैयारी। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले पिक्चर में, यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से ग्रैन्यूल्स और 82 मिला के नर्सरी को बढ़िया तरीके से हमने तैयार किया हुआ है। पहले पिक्चर में हमने इसमें 2 kg ग्रैन्यूल और 50 ml 82 दोनों को एक साथ मिला के हमने मिट्टी में डाला है। बढ़िया तरीके से हमने नर्सरी तैयार की। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी नर्सरी तैयार है और जो यहाँ पे हमने पहले स्टेप में बीज को उपचारित किया था, अब उस नर्सरी में हम ये बीज को लगाएंगे। यहाँ पे आप किसान देख रहे हो मेहनत कर रहे हैं, बीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे बीज की बुआई हो रही है। तो पहला एक बार हमने नर्सरी तैयार की, दूसरे पिक्चर में हमने बीजों को वहां पे लगाया, तीसरे पिक्चर में हमारी पौध तैयार हो गई। ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बीज उपचार करने के बाद तुरंत 2 से 3 घंटे के अंदर उसकी बुआई जो है वो हो जानी चाहिए। इसको आपको लंबे समय तक रखना नहीं। आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि आपने बीजों को उपचारित किया और आपकी नर्सरी तैयार नहीं है। पहले नर्सरी को तैयार करो, फिर बाद में बीज उपचार करो। नर्सरी के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रैन्यूल 2 kg 80 to 50 ml। दोनों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मिट्टी में हम डालेंगे। हमने पहले स्टेप में, पहले पिक्चर में नर्सरी तैयार की, दूसरे पिक्चर में वहां पे किसान मेहनत कर रहे हैं, बीज की बुआई कर रहे हैं, और तीसरे पिक्चर में छोटी पौध हमारी वहां पे तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमारी पौध तैयार हो गई, अब हम इसको यहां से उखाड़ेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। सिंपल, पौध को वहां से उखाड़कर यहां लगाएंगे। लेकिन लगाने से पहले खेत को तैयार करना बहुत जरूरी है। खेत को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो खेत को तैयार करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है ह्यूमिक ग्रैन्यूल 5 kg और एक्वाजेल 1 kg। अक्सर बहुत सवाल आ रहे थे कि एक्वाजेल को कब यूज करना है, कौन से समय पे यूज करना है। तो जो 4 महीने की फसल होती है उसमें अगर आप शुरुआत में आप यूज करते हो तो फसल की कटाई करने तक आपको बढ़िया तरीके से रिजल्ट उसमें मिलता है। किसी भी प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना बाद में वो अलग बात है, लेकिन आप अगर पहले से ही उसकी तैयारी करते हो तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आती। तो शुरुआत में ही जब हम खेत को तैयार करते हैं तो खेत की तैयारी होना बहुत जरूरी है। ग्रैन्यूल 5 kg
एक्वाजेल 1 kg एक एकड़ के लिए हमें दोनों को मिक्स करके डालना है। और फिर बाद में यहाँ पे भी सेम है, देखो हर एक पिक्चर जो है ये आपस में कनेक्टेड है, हर एक पिक्चर। यहाँ पे हमने खेत को तैयार किया अच्छे तरीके से, दूसरे पिक्चर में अब हम यहाँ पे पौध को लगा रहे हैं। तो पौध को लगाने के 20 से 50 दिन यहाँ पे हमें शुरुआत में जरूरी है कि हम उस पौधे का अच्छे तरीके से देखभाल करें। पौधे को ग्रोथ करने के लिए हम वहां पे ह्यूमिक को इस्तेमाल करेंगे ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो, पौधे में हरापन आए। साथ ही हम यहाँ पे नैनोटेक को इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि अगर उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वो भी शुरुआत में पूरी हो जाए। तो इसलिए नैनोटेक और 82 तो सभी प्रोडक्ट के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। और स्पेशली धान की फसल बारिश पे निर्भर होती है, बारिश के टाइम पे धान की फसल होती है, तो ऐसा ना हो कि किसान ने बिना 82 के कोई भी प्रोडक्ट वहां पे स्प्रे किया और स्प्रे करने के बाद अगर बारिश भी होती है तो भी किसान का यहाँ पे बहुत नुकसान है कि दवाई जो है वो पूरे तरीके से धुल जाएगी। लेकिन जब आप 82 को मिलाते हो और जैसे ही आप इसका स्प्रे करोगे पत्तों के ऊपर और स्प्रे कराने के तुरंत आधे से 1 घंटे के बाद भी अगर बारिश होती है तो भी हमारे किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी हमने दवाई स्प्रे की है वो पूरे तरीके से फसल को मिल पाएगी। तो इसलिए 30 ml यूमिक, 20 g नैनोटेक और 5 ml 82 15 L वाटर के साथ हमें मिक्स करके इसका स्प्रे करना है। तो यहाँ पे हमने खेत को भी तैयार किया, पौध भी हमने लगाई, अब हमारी फसल जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। लगभग 51 से 80 दिनों के बीच में, 51 to 80 days, ये पीरियड में अक्सर होता क्या है कि धान की फसल में घुटनों तक पानी होता है और किसान को अगर कोई स्प्रे कराना है, कोई काम करना है तो वो अंदर जाके काम नहीं कर सकता क्योंकि घुटनों तक पानी होता है और उसपे कोई भी काम करने के लिए या फिर कोई स्प्रे करने के लिए जो टंकी आती है वो पीठ पे लांद कर चलना बहुत मुश्किल है, पैर धस जाते हैं। अक्सर ये वाले टाइम पे फसल पे फंगस का अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको किसी किसान को इस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे आपको एक्वाजेल जो है वो यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे एक्वाजेल यूज किया है तो यहाँ पे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आप यूज करा सकते हो एग्री प्रोटेक्ट ताकि फसल में फंगस की बीमारियों से दूर रखने के लिए फसल को, एग्री मॉस हम यूज करेंगे ताकि जो बालियां निकलेगी वो और अच्छी निकले, ज्यादा संख्या में निकले, और एग्री 82 30 g प्रोटेक्ट, 20 ml 82, 5 ml क्यूमिक, 15 L वाटर के साथ हमें मिक्स करके स्प्रे कराना है। इनकेस अगर किसी को स्प्रे कराना पॉसिबल नहीं है तो सिंपल आप नैनोटेक और 82 दोनों को एक साथ मिला के भी डालोगे तो भी चलेगा। और लास्ट वाली हमारी स्टेप है लगभग 81 to 110 दिन, ये वाले पीरियड में धान की फसल में दाना बन चुका होता है, दाना बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें दानों की क्वालिटी बढ़िया चाहिए और क्या चाहिए, दानों के ऊपर चमक चाहिए ताकि जब भी आप इसको मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको उसके क्वालिटी को देखकर, उसके शाइनिंग को देखकर आपको वहां पे रेट अच्छा मिले। तो इसके लिए हम यहाँ पे नैनोटेक को यूज करा सकते हैं ताकि क्वालिटी बढ़िया है, दानों का आकार वहां पे सही हो, एग्री गोल्ड दानों पे चमक लाने के लिए, शाइनिंग को बढ़ाने के लिए। और 82 तो याद रखने के लिए एकदम सिंपल है, सभी प्रोडक्ट के साथ आप इसको यूज करा सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड डोज में 5 to 10 ml, उससे ज्यादा आपको इस्तेमाल करना नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है अक्सर लोग 20 ml 30 ml तक इस्तेमाल कराते हैं,
गलत बात है। अगर आप जल्दी रिजल्ट लाने के चक्कर में डोज को बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली फसल पे इसका साइड इफेक्ट होगा। हमेशा 82 को 10 ml से ज्यादा आपको इस्तेमाल करना नहीं, राइट। 15 लीटर वाटर में 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड और 5 ml 82, इन तीनों को हमें मिला के स्प्रे करना। अक्सर आप लोगों के सामने एक शिकायत भी हर बार आती होगी कि किसान कहते हैं कि अगर कटाई टाइम पे नहीं होगी तो फिर किसान को बड़े परेशानियां होती। अगर फसल कंटिन्यूअसली खेतों में है, ज्यादा दिन अगर आप उसको रखोगे तो आपको मार्केट में रेट कम मिलते हैं। हार्वेस्टिंग टाइम पे होना बहुत जरूरी है, लेकिन किसानों के साथ एक समस्या होती है कि ये वाले समय पे भी पानी भरा होता है, खेतों में पानी भरा होता है। तो अगर आपने यहाँ पे एक्वा जेल यूज किया है तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 4 महीने तक एक्वा, 4 से 4.5 महीने तक एक्वा जेल जो है वो काम करता रहेगा। तो 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड, 5 ml 82, 15 लीटर वाटर के साथ मिक्स करके इसका हमें स्प्रे करना। तो ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी हमारी 1 एकड़ के लिए। अब मैंने तो आपको पूरा स्टेप बता दिया, मतलब रोपाई करने से लेके कटाई करने तक। क्या अभी हमें इन सारे स्टेप्स की जरूरत है? मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, आप चैट बॉक्स में टाइप करके सेंड कर सकते हो। मैंने आपको पूरा स्टेप बता दिया फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग, लेकिन क्या अभी ये सारे के सारे स्टेप्स हमें एक ही साथ लगेंगे, एक साथ लगेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें स्मार्ट वर्क करना है। यस, आप लोगों को भी करना है ना स्मार्ट वर्क, या फिर ज्यादा मेहनत करनी है? तो स्मार्ट वर्क करने के लिए अभी आपको पहले 3 प्रोसेस पे आपको फोकस करना है। सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार, दूसरा नर्सरी और तीसरा रोपाई तक। अभी आपको सिर्फ 3 स्टेप पे फोकस कर, जिनके यहाँ पे डायरेक्ट बीज की बुआई होती है वो लोग पहले बीज उपचार करें और फिर बाद में तीसरा स्टेप डायरेक्ट अपना, और जिनके यहाँ पे पहले पौध लगाई जाती है कैरियो में तो उनके लिए दूसरा स्टेप। राहुल जी ने पूछा है फसल लगाने के कितने दिन बाद एक्वा जेल को यूज करना चाहिए। देखो, एक्वा जेल को अगर आपको यूज करना है तो बेटर रहेगा कि आप शुरुआत में जब हम खेत को तैयार करते हैं तब एक बार यूज करवाओ, अदरवाइज बुआई करने के 15 से 20 दिन बाद। अक्सर 15 से 20 दिन बाद किसान उसमें खाद इस्तेमाल करते हैं, तो 15 से 20 दिन बाद आपके पास 2 चॉइस है, या तो पहले इस्तेमाल करवाओ या फिर बीज बुआई करने के बाद। यस, सुरेंद्र जी का एक सवाल है, क्या बीज उपचार में पानी का उपयोग कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हो अगर आपको बीज की क्वांटिटी ज्यादा है, मान लो 1 क्विंटल 2 क्विंटल है आपके पास, बीज की क्वांटिटी ज्यादा है तो सिंपल आप पानी में घोल बना के भी सीड ट्रीटमेंट जो है वो आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सीड ट्रीटमेंट करने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर बुआई हो जानी चाहिए, इसको आपको लंबे समय तक रखना नहीं। इस बात का जितने भी आज ट्रेनिंग को सुन रहे सभी लोग ध्यान रखें कि सीड ट्रीटमेंट कराने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर बुआई जो है वो हो जानी चाहिए। यहाँ पे आत्माराम जी ने पूछा है चावल की खेती के लिए कैसे, अभी हमने चावल के ऊपर ही हमने देखा था। देखो, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा।
अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल करवाया है, आपने जो डोज रिकमेंड की होती है टाइम पे अगर आपने प्रोडक्ट को यूज किया है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप डोज को कम करते हो, डोज को बढ़ाते हो और फिर आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो तो वो गलत बात है। ऑन एन एवरेज 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट जो है वो दिखना वहां पे स्टार्ट होता है। अभी हम धान के लिए देख रहे हैं, तो धान के ऊपर जो भी आपके सारे क्वेश्चन है आप धान के रिगार्डिंग पूछे, जब हम ऑनियन पे करेंगे तो ऑनियन के ऊपर हम देखेंगे, जब हम बाकी और फसल होती है उसके ऊपर करेंगे, क्योंकि हर एक फसल का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे रंजीत जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हमारे यहाँ पे सीड्स को 2-3 दिन वाटर में पानी में उनको डालकर रखते हैं, तो आप एक काम करें कि पानी में डालने के बाद जब आप उसको लगाते हो नर्सरी में लगाने से पहले तब आप बीज उपचार करवाओ। जिनके यहाँ पे बीज को भिगा के रखते हैं पानी में या फिर बोरी में आप उसको भिगा के रखते हो, तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि बुआई करने से पहले यानी बीजों को आप नर्सरी में लगाने से पहले आप बीज उपचार कर सकते हो। देखो ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक एक ही है, फर्क इतना है कि ह्यूमिक जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है और ग्रैन्यूल जो है वो दानेदार फॉर्म में आता है। और यहाँ पे हिमा जी करके उनका एक सवाल था कि टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, मिनिमम एक 10-15 डेज के गैप में आप दोबारा से एक स्प्रे कर सकते, 10-15 डेज। यहाँ पे राकेश जी ने पूछा नर्सरी को बनाने का कौन सा तरीका सही रहेगा। देखो ये वाला तरीका, सबसे पहले आप नर्सरी में ग्रैन्यूल 2 kg और 80-50 ml इन दोनों को आपको नर्सरी में डालना है, नर्सरी को बढ़िया तरीके से तैयार करनी है। नेक्स्ट जो आपने बीजों को उपचारित किया है उस बीजों को लगाना है और फिर बाद में उसकी पौध तैयार होती है। सोनू जी का सवाल है यूमिक ग्रैन्यूल प्लस यूरिया कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप अगर यूरिया के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो उस यूरिया का जो डोज है मात्रा है वो 30% कम करके उसके साथ आप ग्रैन्यूल को यूज करो। रंजीत जी का सवाल है एक्वाजेल ऑल टाइप में सॉइल में जरूरी है कोई प्रॉब्लम? देखो एक्वाजेल जो है ये मिट्टी को कोई प्रकार से नुकसान नहीं करेगा, राइट? आप इसको मिट्टी में चाहे कौन सी भी मिट्टी हो आप उसमें यूज करा सकते हो। गौरव जी का सवाल है बीज उपचार कैसे करें, तो ह्यूमिक 5 ml और एग्री प्रोटेक्ट 10 g प्रति 1 kg बीज के लिए। एग्री ह्यूमिक 5 ml, एग्री प्रोटेक्ट 10 g प्रति 1 kg बीज के लिए, राइट? पराग जी का सवाल है सीड ट्रीटमेंट कितनी बार करावे? नॉर्मली 10-15 मिनट्स तुम्हें व्यवस्थित सीड ट्रीटमेंट के लिए एग्री ह्यूमिक ने आणि प्रोटेक्ट ने एक सावली मध्ये 10-15 मिनट सुकू द्या आणि मग त्याची पेरणी केली तरी चालेल। सागर जी का सवाल है कीटनाशक के साथ 82 को यूज करा सकते हैं? बिल्कुल आप करा सकते हो। उपेंद्र जी का सवाल है नर्सरी के टाइम कोई फर्टिलाइजर भी देना होगा क्या? अगर आपके खेत की यहाँ पे मिट्टी अच्छी है तो सिंपल आप ग्रैन्यूल्स और 82 भी यूज करोगे तो चलेगा, या फिर आप सिंपल जब बीजों का अंकुरण होगा तो आप यहाँ पे ह्यूमिक और 82 को भी यूज करा सकते हो। देखो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि नर्सरी का कोई एरिया नहीं होता, इसको हम छोटे से एरिया में लगाते हैं। प्रोटेक्ट का डोज जो है वो 2-3 g पर लीटर, यानी अगर 15 लीटर का पंप है तो
30 to 40 ग्राम। सुरेंद्र जी का सवाल है, मिट्टी तैयार करने के लिए प्रोटेक का उपयोग कर सकते हैं? ये साहब बिल्कुल कर सकते हो मिट्टी को तैयार करने के लिए। फिर आप ह्यूमिक ग्रेन्यूअल, प्रोटेक और एक्वाजेल तीनों को आप एक साथ मिला के डाल सकते हो। कीटनाशक के साथ अगर आप एग्रीटी टू यूज कर रहे हो तो 10 ml, 5 to 10 ml, 15 लीटर वाटर में। संतोष यांचा प्रश्न आहे, शेतमाला शेतामध्ये वेस्टीज खत कोणते टाक? आप ह्यूमिक ग्रेन्युअल्स और 82 यूज कर सकते हो। शिवाजी यांचा प्रश्न आहे, कीटकनाशक बरोबर एग्री गोल्ड एग्री मॉस यूज करू शकतो का? कीटकनाशक बरोबर जर तुम्हाला यूज करायचं असेल तर एग्री गोल्ड आणि एग्री 82 यूज करा, मॉस यूज करू नका। रंजीत सिंह जी का सवाल है, यूरिया के साथ एग्री 82 और ह्यूमिक ग्रेन्युअल दोनों को आप यूज करा सकते हो। ओके, यहाँ पे बहुत जन जो है वो मक्के के लिए पूछ रहे हैं, गन्ने की फसल के लिए पूछ रहे हैं, हम उसके ऊपर भी ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि उसका भी एक तरीका अलग अलग होता है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि हर एक प्रोसेस फसल का तरीका जो है वो अलग अलग होता है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ओके, मधुरी फांसे यांचा प्रश्न है, तुमचा काय प्रश्न असेल तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करून पाठवा। बघा, बऱ्याच जणांचे प्रश्न येत आहेत, त्याच्यामुळे एखाद्याचा जर प्रश्न मिस झाला तर नाराज होऊ नका। शेवटी आपण ट्रेनिंग संपल्यानंतर मी तुम्हाला नंबर शेअर करतो, मला फोन करून विचारलं तरी चालेल, कारण बरेचसे प्रश्न येत आहेत, ऍट अ टाइम सगळे प्रश्न अटेंड करणं फार टफ आहे, त्याच्यामुळे मला नंतर जरी तुम्ही विचारलं तरी चालेल। विजय कुमार जी पूछ रहे, राईस के लिए हमने ये जो ट्रेनिंग देखी थी आज हमने राईस के ऊपर ही हमने किया था। मीता जी का सवाल है, एक्वाजेल और ग्रेन्युअल्स पौधे रोपण करने के बाद या जब हम खेत को तैयार करते हैं उस समय? देखो, दोनों तरीका है आपके पास, दोनों तरीका है आपके पास। या तो आप शुरुआत में भी अगर आप यूज करते हो तो भी चलेगा, या फिर पौधे रोपाई करने के बाद भी अगर आप यूज करते हो तो भी चलेगा। मैत्री पटेल जी का है कि इसके बाद वाला स्टेप दिखाओ। ओके, देखो, आपने अगर एक्वाजेल शुरुआत में डाला होगा तो बाद में फिर आपको वहां पे ज्यादा कुछ और डालने की जरूरत नहीं है, वन टाइम अगर आप एक्वाजेल यूज करते हो तो भी चलेगा। नर्सरी जो होती है, छोटे से एरिया में हम इसको लगाते हैं, इसका कोई एरिया फिक्स नहीं होता या फिर जगह फिक्स नहीं होती, एक छोटे से एरिया में हम इसको लगाते हैं। रंजीत जी का सवाल है, किसी भी क्रॉप में सिंचाई के साथ 82 कंटिन्यू डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत जरूरी है, आप हर सिंचाई के साथ 82 का इस्तेमाल करा सकते हो, एक एकड़ के लिए 160 से 200 ml। एक्वाजल को आपको यूज करने के तीन तरीके हैं, या तो आप मिट्टी के साथ इसको मिक्स करके डाल सकते हो, या फिर ह्यूमिक ग्रेन्युअल्स या फर्टिलाइजर, तीन ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से किसी भी एक अवस्था में आप किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ आप एक्वाजल को यूज करा सकते हो। रंजीत जी का एक यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल आया है कि एक्वा चावल की खेती में पानी ज्यादा होता है तो एक्वाजल डालने से कम करेगा और कितने दिन असर रहेगा? देखो, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर खेतों में पानी भरा है, आपने एक्वाजेल वहां पे डाला, तो एक्वाजेल ने क्या किया, उस पानी को अपने अंदर खींच लिया, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब किया, तो ये क्या करता है कि जैसे जैसे फसल को रिक्वायरमेंट होती है, मान लो पौधे को अभी पानी की जरूरत है, तो वो नीचे से पौधे को पानी देना वहां पे शुरू करता है, तो यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं आती।
शिवराम यांचा प्रश्न आहे की शेवगामध्ये सेटिंग होत नाहीये, गोल्ड 100 ग्राम, नॅनोटेक 400 ग्राम, 80 to 100 ml 200 लिटर पाण्यामध्ये मिक्स करून स्प्रे करा. सोनू जी का सवाल है 50 to 80 डेज में एग्री मॉस एग्री ह्यूमिक एग्री 82 डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा. अक्सर ये वाले समय पे धान के ऊपर आपको वहां पे, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ये धान की फसल है, ऐसी बीमारी आप लोगों ने देखी है कभी धान की फसल में? पत्तों पे आपको वहां पे सफेद कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, इसको हम ब्लास्ट बोलते हैं. ब्लास्ट अक्सर ये बीमारी आपको ज्यादातर जब फसल में बालियां निकलने का समय शुरू होता है या फिर उसके निकलने से थोड़े दिन पहले आपको ये बीमारी आपको वहां पे दिखाई देती है. तो बाद में आप बीमारी को कंट्रोल करने में खर्च करने से अच्छा है कि आप पहले इसको स्प्रे करा के रखो ताकि बाद में फिर कोई प्रॉब्लम ना आए. देखो फसल के रिगार्डिंग अगर आपका सवाल है तो मेरा सजेशन यह रहेगा कि आप मुझे उसकी फोटो शेयर करें. फोटो देखने के बाद सारी चीजें ऑटोमेटिकली वहां पे क्लियर होती है, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई गलत डोज बता दिया और उसके कारण अगर फसल का कोई नुकसान हो गया तो फिर वो बहुत बड़ी गलती है मेरी. तो इसलिए मैं कभी भी फसल को बिना देखे रिकमेंड नहीं करता. बाद में उसके ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से, खर्च करने से कोई फायदा नहीं है. अगर आप शुरुआत में ही ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आगे के जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, आप उसको कम करा सकते हो. मिनिमम श्रीमंत जी का सवाल है बीज उपचार करने के बाद एक दिन में बीज को, देखो मिनिमम आपको उसी दिन आपको बीज की बुआई करनी है, ये आप ध्यान रखें. उसी दिन आपको बीज की बुआई करनी है. अगर आप अगले दिन उस बीज की बुआई कर रहे हो तो हो सकता है उसमें बीज खराब होने के चांसेस ज्यादा है और वो रिस्क हम नहीं ले सकते. इसलिए मिनिमम उसी दिन आपकी बुआई जो है वो हो जानी चाहिए. सुनील जी का सवाल है ब्लास्ट में क्या डालना है. देखो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है. सुनील जी ने पूछा है कि ब्लास्ट में क्या डालना चाहिए. ब्लास्ट यानी फंगस की जो बीमारी होती है उसके लिए. आप में से कौन इसका सही उत्तर देना चाहेगा? ट्रेनिंग्स को अटेंड करने का ये फायदा होता है कि आपको हर एक फसल के ऊपर कॉम्बिनेशन आपको समझ में आते हैं. ओके, प्रोटेक्ट तो यूज होगा, लेकिन उसके साथ प्रोटेक्ट तो हमारा यूज होगा, 82 भी यूज होगा. ओके, सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छा सवाल दिया है. प्रोटेक 82 और गोल्ड, प्रोटेक काम करेगा जो फंगस की बीमारी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, गोल्ड काम करेगा अगर पौधे में कोई तनाव आया है तो उस तनाव को दूर करने के लिए. तो ट्रेनिंग आपको अटेंड करने का ये फायदा होता है कि सारे डाउट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं. एक्वाजेल के बेनिफिट्स, जहां पे पानी की कमी है वहां पे आप एक्वाजेल यूज करा सकते हो. जहां पे पानी बहुत ज्यादा है वहां पे आप एक्वाजेल यूज करा सकते हो. जहां पे मिट्टी का कटाव होता है, ज्यादा बारिश होने के कारण मिट्टी का कटाव होता है, तो वहां पे आप एक्वाजेल को यूज करा सकते हो. यस, हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स को करते हैं. हम हर मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, या फिर हम अभी सीजन स्टार्ट हो रहा है तो हमारी मीटिंग कंटिन्यूअस है. डेली हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको जितनी ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करनी है आप अटेंड करिए ताकि इसका फायदा आपको सीजन में आपको मिलेगा.
देखो अगर सीड पहले से ट्रीटेड रहा है तो आप अगेन ह्यूमिक और प्रोटेक यूज करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रंजीत जी का सवाल है, चावल में पकने के टाइम कुछ दाने खाली होते हैं तो इसके लिए क्या डालें? उसके लिए आप नैनोटेक गोल्ड और 82, इन तीनों को आप मिला के डाल सकते हो। 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड और 10 ml 82, या हमें 15 लीटर वाटर में मिक्स करके हमें वहां पे इसका स्प्रे करना है। येस, आपलं सेशन मराठी मध्ये पण होतं, आपण मराठी मध्ये पण पीपीटी बनवलेली आहे, त्याच्यामुळे मराठी जरी असेल तरी आपल्याला घाबरण्याचं काही कारण नाही, आपण मराठी मध्ये पण ट्रेनिंग करत आहोत। अब हम सोयाबीन के ऊपर, मूंगफली के ऊपर, कॉटन के ऊपर, इसके ऊपर अभी हम अगले 1 जून के बाद हम ट्रेनिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, ये तो हमने ट्रेनिंग्स के बारे में हमने देखा, राइट? हमने फसल के बारे में देखा किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करना है, कैसे यूज करना है। पीएच, सचिन जी का एक सवाल है, पीएच, पीएच बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसा रहेगा अगर आपको इसके साथ ऑफर की भी जानकारी मिले? ऑफर बहुत जरूरी है। अगर हम, आपको मालूम होगा कि अगर हम किसी को गूगल पे भी करते हैं या फिर किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम मिनिमम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत हमें कैशबैक तो मिले, और अगर हमें 5 रुपए कैशबैक मिलता है तो हम उस पर खुश हो जाते हैं। उसी तरीके से ये ऑफर्स जो होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं, अक्सर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर किसी किसान को, मान लो आप प्रोडक्ट्स के साथ साथ उसको फ्री के प्रोडक्ट्स दे रहे हो, तो सामने वाला किसान क्या सोचेगा कि मुझे एक इनसे प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे फ्री का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो दोबारा आपको कॉन्टेक्ट करेगा कि नहीं? तो हमेशा ऑफर्स जो होती है ये बहुत जरूरी होती है, और ये हमें कहाँ पे मिलती है? जब हम ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए, आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होते जाते हैं। तो हमारे संतोष सर जो है ये अभी आपको ऑफर के बारे में गाइड करेंगे। वेलकम संतोष सर एंड गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग संतोष सर। यस सूरज, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू सूरज एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और